हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल स्टडियो. ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 3, दैट इज एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, जहां पर हमने मैकेनिकल वेदरिंग कंप्लीट किए और उसके सर्टन फैक्टर्स जो थे, यानी कि जो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, वो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हमने हमारी स्टडीज कंप्लीट की. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर, जहां पर हम केमिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अब रॉक टूटेगा, वेदर होगा, डिसइंटीग्रेट होगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन. अब आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट का नेचर में कॉन्टैक्ट होने की वजह से, चाहे वो एयर से हो, चाहे वो वाटर से हो, या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अगर कॉन्टैक्ट होगा, सो सर्टेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है. जैसे हम जानते हैं कि हमारे रॉक के अंदर देर आर सम बेसिक मिनरल्स सच एज एल्यूमिनियम, सिलिका, निकल, कोबाल्ट, आयरन. ठीक है, सो ये जितने भी मिनरल्स हैं, ये भी हमारे नेचर से रिएक्ट करेंगे. ठीक है, इनके साथ भी जब ये जो मिनरल्स है, ये जब एक्सपोज होगा हमारे नेचर से, हमारे ऑक्सीजन से, वाटर से, हाइड्रोजन से, ये जब इन सारे चीजों से रिएक्शन होगा, तो इनके बीच में भी एक प्रोडक्ट ये जनरेट करेंगे. ठीक है, तो वेदरिंग हो रहा है, रॉक टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है ड्यू टू सर्टन केमिकल रिएक्शन, उसे हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग. सो देखते हैं हमारा केमिकल वेदरिंग का इंट्रोडक्शन. वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल वेदरिंग. रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ मेनी मिनरल्स. ठीक है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि रॉक में बहुत सारे मिनरल्स हैं, और वाटर यहां पर, यानी कि केमिकल वेदरिंग में सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दे रहा है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है, वो क्या है? वाटर. जैसे आपने देखा कि मैकेनिकल वेदरिंग में देर आर सर्टन फैक्टर्स, जैसे आपने देखा टेम्परेचर है, फ्रोस्टिंग है, वैसे ही सिमिलरली केमिकल रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो है वाटर. वाटर के कारण ही क्या होता है, रिएक्शन टेक प्लेस होता है, और केमिकल्स की वजह से ही क्या होगा, रॉक जो होगा वो रॉक टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. वाटर इज अ यूनिवर्स सॉल्वेंट. ठीक है, मेनी थिंग्स गेट डिसॉल्व ईच इन वाटर. वाटर एक ऐसी चीज है जहां पर पानी के साथ कुछ भी चीजें, कोई भी केमिकल्स जो होते हैं, वो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, चाहे वो सॉल्ट हो, सैलिनिटी इन द वाटर हो, चाहे वो कोई टॉक्सिक केमिकल्स हो, या कोई भी पर्टिकुलर होते हैं ना कि केमिकल्स जितने भी होते हैं, वो इजीली वाटर के साथ सॉल्युबल हो सकते हैं. सो ये जो वाटर के साथ जो मिनरल सॉल्युबल होगा, इन्हीं को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. ठीक है, और इनकी वजह से ही केमिकल वेदरिंग होता है. द मिनरल्स इन द रॉक डिसॉल्व इजिली इन वाटर. वाटर में क्या होगा, ये जो मिनरल्स है ये इजिली डिसॉल्व हो जाएंगे. केमिकल वेदरिंग अकर्स इन द एरिया दैट रिसीव्स हाई रेनफॉल. और जब, जैसे कि मैंने कहा कि वाटर यहां पर ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, जो जिस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, ज्यादा रेनफॉल होगा, उस पर्टिकुलर जगह पर केमिकल वेदरिंग का इफेक्ट काफी ज्यादा देखने मिलेगा. जैसे आप देख सकते हो हमारे पास यहां पर इमेजेस है, आप लोगों ने इस पर्टिकुलर जो आपके सामने इमेज है, यह है स्टेलागाइट एंड स्टेलेगमाइट का. जब वक्त आएगा, हम जब एक्सोजेनेटिक मूवमेंट प्रोसेस पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर जो 4 हम पढ़ेंगे, सो उसमें आप ये स्टेलागाइट एंड स्टेलेगमाइट देखने को आपको मिलेगा कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि ये जो स्टेलागाइट है, ये जो स्टेलेगमाइट्स है, यानी कि ये जो रॉक्स है, ये रॉक्स कैसे केमिकल रिएक्शंस की वजह से बने हैं. ठीक है, सो ये था हमारा केमिकल वेदरिंग. सो अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं केमिकल रिएक्शन. जैसे आपने देखा कि वेदरिंग के जैसे टाइप्स होते हैं और वेदरिंग के, मैकेनिकल वेदरिंग के जैसे फैक्टर्स हैं, वैसे सिमिलरली देर आर सर्टन फैक्टर्स ऑफ केमिकल वेदरिंग टू. ठीक है, देर आर थ्री एजेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, जहां पर केमिकल वेदरिंग के 3 एजेंट्स हैं, वो है कार्बोनेशन, सोल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन. आई रिपीट, कार्बोनेशन, सोल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन. ठीक है, रिपीट कीजिए मेरे साथ, आप घर पे बैठे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज यूटिलाइज मैक्सिमम कीजिए मेरे साथ. जब आप रिपीट करेंगे, सो क्या होगा कि जब हम लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स हम देख रहे हैं, सो लेक्चर्स के साथ साथ हमारा जो
आंसर्स है वो भी हमें क्या हो जाएंगे, इजिली बाय हार्ट हो जाएगा. सो केमिकल वेदरिंग इज द वीकनिंग डाउन ऑफ रॉक थ्रू केमिकल रिएक्शन. नाउ व्हाट इज केमिकल वेदरिंग. अगर कोई भी पर्टिकुलर टीचर या आपको कोई भी क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज केमिकल वेदरिंग, सो उसका आंसर आपका क्या होगा, केमिकल वेदरिंग इज अगेन अ वीकनिंग ऑफ रॉक. ठीक है, जहां पर रॉक वीकन हो रहा है, रॉक डिसइंटीग्रेट होगा. क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल वेदरिंग इज अ वीकनिंग डाउन ऑफ अ रॉक थ्रू द केमिकल रिएक्शन. द मोस्ट एक्टिव एजेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज वॉटर. और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिकल रिएक्शन में वो क्या है, पानी, वॉटर. नाउ द केमिकल वेदरिंग इज सब क्लासिफाइड इंटू थ्री पार्ट, इंटू थ्री. ठीक है, विच आर, वॉट आर दे, कार्बोनेशन, सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन. अब हम ये कार्बोनेशन, सोल्यूशन और ऑक्सीडेशन को वन बाय वन करके हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. हम सबसे पहला हमारा देखते हैं, जो फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है, केमिकल वेदरिंग ड्यू टू कार्बोनेशन. ठीक है, द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. कार्बोनेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो एसिड बनता है उसकी वजह से वेदरिंग होता है, रॉक वीकन हो जाता है और रॉक टूटने लगता है, वो होता है केमिकल वेदरिंग ड्यू टू कार्बोनेशन. अब देखते हैं पॉइंटर्स क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं. द रेन वाटर ट्रेवल थ्रू द एटमोस्फियर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड. हैज रेन वाटर travel through the atmosphere, carbon dioxide in the air get mixed in the rainwater and dilute carbonic acid form. अब होता क्या है कि जब precipitation होता है, जब rainfall होगा, तो क्या होता है कि जब वो atmosphere से earth surface के towards जब वो travel करेगा, तो उस particular travel करते वक्त क्या होगा कि air में है, atmosphere में जितने भी carbon dioxide है, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ क्या करेगा, वो मिक्सडअप हो जाएगा. मिक्सडअप होने की वजह से वो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड क्रिएट करेगा. अब ये जो डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड है, जैसे ही हमारे रॉक के अंदर, रॉक पर गिरेंगे, ठीक है, रॉक को क्या होगा, इफेक्ट होगा, रॉक में होल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, आप देख सकते हो जैसे कि इमेज में जो आपको होल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिएक्टेड विद द वॉटर. ठीक है, और ये जब रिएक्शन हुआ, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बना, जिसके वजह से रॉक क्या हो गया कि रॉक खोखला हो गया. ठीक है, एक बोलते हैं ना कि खोखला, यानी कि अंदर से पूरी तरह से वीकन हो गया और वो पोरस जैसा होता है, यानी कि होल्स जो होते हैं वो होल्स डेवलप होना वहां पर स्टार्ट हो गए. सो दिस फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड इज नोन एज कार्बोनेशन. इन्हें क्या बोलोगे आप, कार्बोनेशन बोलोगे. सो केमिकल वेदरिंग, अगेन द केमिकल वेदरिंग हैपेंस, द रॉक आर वीकनिंग डाउन, ठीक है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इन द टू पार्ट्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिक एसिड. ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे केमिकल वेदरिंग. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है जो केमिकल वेदरिंग के अंदर आता है, वो है हमारा सोल्यूशन. अब सोल्यूशन की वजह से देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है और सोल्यूशन की वजह से कैसे रॉक वीकन होता है और रॉक टू पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा, सम मिनरल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर. आपको पता है कि कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं और कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं. देखो, वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, अब तक आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल से. ठीक है, सो कुछ मिनरल्स होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं और कुछ मिनरल्स जो होते हैं जो कि इनसोल्यूबल होते हैं. तो क्या बोला है यहां पर, फर्स्ट पॉइंट, सम मिनरल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, सोल्यूबल हो गए, ठीक है, वाटर के साथ मिक्सड अप हो गए. लाइमस्टोन इज फॉर्म ड्यू टू केमिकल प्रेसिपिटेशन बिटवीन अल्कालीज इन वाटर. अल्कालीज आपको ऑलरेडी पता है कि वॉट इज अल्काली, अल्काली इज नथिंग बट अ सैलिनिटी कंटेंट इन द वाटर. तो जो लाइमस्टोन जैसे जो रॉक्स है, ये किससे बना है, ड्यू टू केमिकल प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेनफॉल जितने भी हो रहे हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन, जैसे हमने कार्बोनिक के अंदर पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हो जाता है वाटर के साथ और डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड बनता है, वैसे ही वाटर के साथ जो बाकी सारे जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स के साथ मिलने के वजह से, ठीक है, और अल्कालीज की वजह से लाइमस्टोन बनना स्टार्ट हो जाता है. ड्यू टू सॉल्यूशन अल्काली इन द रॉक डिसॉल्व एंड मेक देम ब्रिटल. इसके वजह से क्या होता है कि केमिकल्स की वजह से, देखो सॉल्यूशन मतलब क्या हो रहा है पता है कि
जितने भी केमिकल रिएक्शन है मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूबल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन टेक प्लेस होता है। रिएक्शन टेक प्लेस होने की वजह से कुछ जो जितने भी रॉक्स है वो रॉक सोल्यूबल होने की वजह सॉरी मिनरल्स उसके सोल्यूबल होने की वजह से रॉक वीकन डाउन हो जाता है, ठीक है। और वो उसे मतलब होते हैं ना कि वो इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि वो एक पर्टिकुलर अगर थोड़ा सा भी उसे फोर्स लगे तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा, ठीक है। सो वो होगा, ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि किसके अंदर आ जाएगा, अगेन केमिकल वेदरिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब सिंपल सॉल्यूबल मिनरल्स के वजह से रिएक्शन टेक प्लेस होगा और रॉक क्या हो जाएगा, वीकन डाउन हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट फैक्टर है, जो कि हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है, जो कि है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन के वजह से रॉक कैसे वेदरिंग होता है और ये क्यों केमिकल वेदरिंग के अंदर क्लासिफाइड है। द प्रोसेस अकर इन द रॉक विच हैव आयन प्रेजेंट इन देम, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये मोस्टली कौन से रॉक में, कैसे रॉक में दिखेगा, जिस रॉक में आयन कंटेन होगा, यानी कि जिस पर्टिकुलर रॉक में मिनरल सच एज आयन कंटेन होगा उस पर्टिकुलर रॉक में ही ये ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा, ठीक है। द आयन इन द रॉक कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वॉटर एंड हेंस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रस्ट। अब होगा क्या कि ये जो आयन है, ये आयन जब जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, रस्टिंग पैदा करना शुरू कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कि अगर आयन रॉड अगर होगा, ठीक है, सो एक पर्टिकुलर आयन रॉड को अगर एयर का कॉन्टैक्ट मिलता है और अगर वाटर का कॉन्टैक्ट मिलता है, यानी कि अगर उसे मॉइस्चर मिलता है, सो क्या होगा, यहां पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा, वो रस्टिंग होगा, ठीक है, यानी कि रस्ट जो होगा वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली रॉक के अंदर आयन का प्रोपोर्शन होने की वजह से और एयर और मॉइस्चर मिलने की वजह से रॉक के ऊपर भी क्या होगा, रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो इमेज में, आपके जो इमेज स्लाइड्स पे दिखाए हैं उसके अंदर देखो जो ब्राउनिश जो रेडिश कलर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इट्स नथिंग बट इट्स अ रस्ट, ठीक है, जो कि रॉक में लगा हुआ है। This rusting of iron in the rock is known as oxidation. देखो last point में क्या बोला है, This rusting of iron in the rock, यानी कि iron का rust होना in the rock, ठीक है, is known as oxidation, ठीक है। और एक बार किसी भी चीज को rust लग जाएगा तो क्या होगा, उस वो particular object क्या हो जाएगा, वीकन हो जाएगा और वो टूट सकता है इजीली। जैसे हमारा आयन आयन पे रस्ट होगा सो क्या हो जाएगा, उसका जो स्ट्रेंथ है वो जो स्ट्रॉन्गर है वो वीकर हो जाएगा और वो इजीली टूट सकता है। वैसे ही अगर रॉक पे अगर रस्टिंग होगा तो रॉक भी क्या हो गया जाएगा, वीकन हो जाएगा और रॉक भी इजीली टूट जाएगा। सो अगेन वेदरिंग हो रहा है, टूट रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है रॉक का, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ड्यू टू आयन कंटेन, ठीक है। सो ये आ जाएगा किसके अंदर, केमिकल वेदरिंग में। सो ये था हमारा केमिकल वेदरिंग, जिसके अंदर आज हमने पढ़ा कार्बोनेशन के बारे में, देन हमने पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में, एंड देन हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन के बारे में। याद रखो थ्री फैक्टर थ्री क्लासिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिकल रिएक्शन इन केमिकल वेदरिंग, ठीक है, कौन सा है, कार्बोनेशन, ठीक है, सॉल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन। इनकी वजह से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा और रॉक क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा केमिकल वेदरिंग, ठीक है, आज के लिए इतना बस काफी है। नेक्स्ट हमारे अपकमिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द बायोलॉजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग के साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे स्लो मास मूवमेंट इफेक्ट करता है और रैपिड मास मूवमेंट विच इज अगेन एन एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है, बोथ आर एक्सटर्नल प्रोसेस। सो वो कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, वो भी हम हमारे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप बुक्स ओपन कीजिए, ठीक है, जितने भी आज के टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं वो टॉपिक्स को आप रिव्यू कीजिए, रिट्रीव कीजिए, देखिए, पढ़िए, ठीक है, मार्क कीजिए। इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कंसेप्ट, ठीक है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है, मैं आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।